नमस्कार, फिर से स्वागत है पंजाब की सी टीवी में। और आप देख पा रहे हैं धर्मशाला के वार्ड नंबर 7 से ये पोलिंग बूथ नंबर 6, यहाँ से लाइव तस्वीरें हैं। और इसी के साथ देखिए, आप देख रहे हैं लाइनें तो खूब लग गई हैं, लेकिन अगर हम बात करें बुज़ुर्गों की तो देखिए बुज़ुर्ग भी मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है वो ले रहे हैं। इसी बीच अगर हम बात करें 80 साल से अधिक के बुज़ुर्गों की तो देखिए यहाँ पर बैठे हैं। इनसे हम इनका नाम जानेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं और कितनी इनकी, क्योंकि 80 साल से ऊपर तो ये कह रहे हैं, लेकिन इस बार जो ये मतदान हो रहे हैं क्या कुछ इनका कहना है, फिलहाल जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुदर्शन सूद। अच्छा, मतदान हो गया, कर दिया आपने। क्या कहना चाहेंगी आप, वोट आपने डाला है, कैसी सरकार बननी चाहिए, क्या कुछ इच्छाएं आपकी हैं? अच्छी है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है सब कुछ। कितनी कितनी उम्र है आपकी? 82। अच्छा, 82 जी, शुक्रिया। सर आपका क्या नाम है? अनंत राम। धर्मशाला के रहने वाले हैं? धर्मशाला में ही है। अगर बात करें चुनावों की, वोट आपने डाला है, कितनी उम्र आपकी हो गई है? और अब मैं 88 का हो गया हूँ। क्या कहना चाहेंगे, मतदान आपने किया है? मतदान एक पर्व की तरह ही मनाया जाता है हमारे देश में, और जब से हम आज़ाद हुए मैं तभी से वोट डाल रहा हूँ, और हर एक नागरिक को इसमें भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। कितनी बार वोट आप कर चुके हैं? ये तो 1956 के बाद जितने ही वोट हुए सारे मैंने अटेंड किए हैं, वोट डालता रहा हूँ। क्या लगता है पहले की बजाय जो है वो इस अब जो चुनाव होते हैं उसमें रुझान किस तरह का, पहले कैसे रहता था और अब कितना फर्क आप महसूस करते हैं? नहीं, लोग हमेशा शुरू से पहले दिन से ही, भारत जब से आज़ाद हुआ है भारतवासी सारी पार्टी चढ़ के भाग लेते हैं, और ये पर्व की तरह ही मनाया जाना चाहिए हमारे देश में, और मनाया जाता रहा है। जी, अगर बात करें वोट आपने किया है, क्या सोच समझ के आपने वोट किया है, क्या लगता है क्या खामियां हैं और क्या सुधार हुए हैं? वोट डालने में तो शुरू में विभिन्न तरीके थे, वोट डाला जाता था, काउंटिंग के लिए बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ती थी, रात को भी काउंटिंग चलती थी, अब बड़ा आसान हो गया इलेक्ट्रॉनिक की वजह से, और बड़ी सुविधा होगी है लोगों को, और वोट में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, अपनी सरकार बनाने में अपना सहमति देनी हर एक कर्तव्य है नागरिक। जी, जी शुक्रिया हमारे, धन्यवाद। मैडम क्या नाम है आपका? रंजना सूद। मतदान कर दिया आपने? जी जी, कर दिया मैंने। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखती है, कैसी सरकार आपको चाहिए है, और मतदान करके क्या लगा है, और क्या आप दूसरों को प्रेरणा जो है देना चाहेंगे? मतदान करके तो बहुत खुशी होती है, ये हमारा एक जैसे दिवाली हम अपने पर्व मनाते हैं वैसे उत्सव होता है, और मेरा मानना है कि पहले बहुत ही प्रोग्रेस हुई है और आगे भी हमारा राष्ट्र देश के लिए जो हितकारी हो वैसे सारे लोग मतदान करें और हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे। को क्या और लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? कुछ लोग अभी भी यही उनका मानना है कि क्यों वोट दें और वोट दे के हमें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा तो उनका मानना, वो तो अपना अपना सोचने का तरीका होता है, पर बहुत ही मुझे लगता है कि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का मोदी सरकार में बहुत उत्थान हुआ है, और राष्ट्र हित के लिए युवा बच्चों को आगे आना चाहिए, और जो हमारे देश के लिए राष्ट्र के लिए हितकारी है अपना मतदान का प्रयोग करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने कि 80 साल के ऊपर के बुज़ुर्ग हैं और लंबे समय से मतदान जो है वो करते आए हैं, और ऐसे में इन्होंने ये भी कहा है कि पहले की बजाय अगर अब की बात करें तो देखिए बहुत सारा परिवर्तन जो है वो आया है ज़रूर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जो मशीन्स आई है उससे कहीं ना कहीं देखिए ज़रूर राहत भी मिली है, और जल्दी ये चीज़ें जो है वो सम्पन्न होती हैं, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि जब वोटिंग होती थी, उसकी गणना होती थी, तो काफ़ी समय जो है वो रात जो है वो हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, और सभी को बढ़ चढ़ कर इस मतदान में अपने मत का अधिकार करने के लिए जो है वो आगे आना चाहिए। तो चलिए दर्शकों, मिलते हैं अगले लाइव में, बने रहे पंजाब की सी टीवी के साथ, धन्यवाद।